सराज विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लंबाथाच के क्यूली गांव में एक रियायती मकान चलकर राख हो गया। मकान में 12 कमरे थे जो कि पूरी तरह से चलकर स्वाह हो गए हैं। इस आगजनी की घटना से 5 परिवार बेघर हो गए हैं, जबकि प्रभावितों का करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। मकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप धारण कर लिया। आसपास के लोगों ने अपने सीमित संसाधनों से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें सफल नहीं हो सके। आग बुझाने में जुटे लोगों को पानी की जरूरत पड़ी तो साथ लगते नल से पानी की एक बूंद तक नहीं टपकी, जिस कारण भी लोगों को निराशा देखने को मिली। सूचना मिलते ही तहसीलदार थनाक शमशेर सिंह, ग्राम पंचायत लंबाथाच के प्रधान चमन लाल और जंजैली पुलिस की टीम दलबल के साथ मौके पर पहुंच गई। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को 10,000 रुपए की फौरी राहत और कंबल आदि बांट दिए हैं, जबकि नुकसान की रिपोर्ट तैयार करके सरकार को भेजी जा रही है। वहीं पुलिस ने भी आगजनी का मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। वहीं प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए व्यापार मंडल थनाक व लंबाथाच की ओर से राशन बांटा गया है। जैसे हम मौके पर पहुँचे, यहाँ जो मकान पूरी तरह से जल चुका था। इस मकान में 5 परिवार रहते थे और पूरी तरह से बेघर हो गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से उनको कंबल अभी तुरंत वितरित किए जा रहे हैं और साथ में व्यापार मंडल की तरफ से अनाज गिरे का प्रबंध भी किया जा रहा है। और जो भी सहायता उनकी करने को होगी, हम पूरा प्रयास करेंगे उनके पूरी सहायता करके उनका जो उनको आप बसाने का पूरा प्रयास करेंगे। गौर रहे कि इस राजघाटी में आगजनी की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई आशियाने इसी तरह से जलकर राख हो चुके हैं, लेकिन सरकार आज दिन तक इस इलाके में अग्निशमन केंद्र नहीं खोल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।